नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, बहुत से छात्र हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया एक वीडियो एग्रीकल्चर पे बनना चाहिए, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो देखिए, हम अभी आप लोग के रिक्वेस्ट पे आ गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के पास, जहाँ दिखा देंगे कैंपस कैसा सारा दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, वो हमें पूरा एग्रीकल्चर के बारे में समझा देंगे, कितनी सीटें हैं, कैसी पढ़ाई होती है, कैसा क्लास है, कैसा टॉयलेट बाथरूम है, हर चीज़। हमारे हर वीडियो में आप देखेंगे टॉयलेट बाथरूम का मैं जिक्र बहुत करता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़रूरी है। बाकी क्लास आपका गंदा भी रहे चलेगा, लेकिन वॉशरूम हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। तो चलिए, देखिए हम कैंपस के अंदर जा रहे हैं, आपको पूरा कैंपस भी दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, जुड़े रहिए कि हम गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम गेट के अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं, और ये देखिए एग्रीकल्चर कैंपस है आपका, एग्रीकल्चर कैंपस जहाँ आप लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे। अभी मैं चलूँगा अंदर, तो आप लोग को दिखा दूँगा कि वहाँ आप लोग पढ़ाई लिखाई करिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो है आप लोग को पता ही होगा सीटें बहुत कम हैं, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, और जो सीटें हैं उसमें भी बहुत 3-5 है। ICR ले लेता है तो कुछ ले लेता है, कई सीटें कट जाती हैं। हालांकि यहाँ का एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट है, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पर प्लेसमेंट है। IIT के बाद सोचिए एग्रीकल्चर का ही सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, पैकेज आता है। ये देखिए, हम लोग कैंपस के अंदर आ गए, ठीक है। चाचा प्रणाम। ये देखिए, यह आपका वो है, क्या आपको बोलते हैं यार, मतलब स्टैंड है जहाँ पे आप अपना बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बस खड़ी होती हैं। हमारे साथ आप लोग के सीनियर जुड़े हैं, ठीक है। इनका मैं अभी परिचय लेता हूँ, क्या नाम है, कहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हैं वगैरह। क्या नाम है आपका? शिवम राय। शिवम राय, क्या कर रहे हैं यहाँ से आप? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। UG या PG? PG है। तो इसी इंस्टीट्यूट में है ना? हाँ। तो चलिए, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके इस कैंपस के बारे में पूरा बताएं, इंस्टीट्यूट के बारे में बच्चों को बताएं जो आना चाहते हैं, ठीक है। तो यह अभी हमारे साथ शिवम जी जुड़ेंगे और सारा इंस्टीट्यूट जो भी है सारा दिखाएंगे, टॉयलेट बाथरूम हर चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए, जुड़े रहिए। अच्छा, ये हमारे सामने जो पीछे बिल्डिंग है वो क्या है? इसमें UG वालों की क्लास चलती है। UG वाले को, जो यहाँ पे एडमिशन लेके UG के आएंगे, उनका क्लास चलेगा। फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक की क्लासेस इसमें चलती हैं। ये है आपका शताब्दी कृषि भवन, ठीक है। इसमें आपका यूजी के जितने बच्चे आएंगे उनकी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। चलिए, अब आगे चलते हैं। और शिवम जी, गर्लफ्रेंड फ्रेंड है? अरे अब नहीं, मान लीजिए कुछ बातचीत नहीं मिलेगा, आगे ना डिपार्टमेंट है, तब तक बातें कर रहे, हंसी मजाक करते रहे हम लोग, है कि नहीं? वो तो है, ये हाँ, तो है। जरूरी है। हाँ। अच्छा, एग्रीकल्चर में लड़कियां ज़्यादा आते हैं कि लड़के? नहीं, मैक्सिमम तो लड़कियां ज़्यादा रहती हैं, लड़कों की संख्या कम रहती है, और ग्रेजुएशन लेवल पे तो ज़्यादातर नीट वाले लड़के ही आते हैं। मतलब मेजोरिटी ज़्यादा लड़कियों की है? हाँ, डिपार्टमेंट मतलब दो लड़कों पे एक लड़, मतलब एक लड़के पे दो लड़कियां? वो तो बैच पे डिपेंड करता है कि किस तरह का बैच है, कभी कभी लड़के भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, अक्सर लड़कियां ही आती हैं। मैं चाहूँगा मैं गर्लफ्रेंड भी इसी इंस्टीट्यूट की बनाऊँगा। जी ज़रूर। पहले नहीं बता सकते थे आपकी यहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ हैं? ये क्या? ये देखिए, हमारा वो ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम है, ये देखिए आप लोग का ऑडिटोरियम है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि पीछे से दिखाएं, यानी मैं पीछे से भी आपको दिखा। ये ऑडिटोरियम है जहाँ पे जो भी प्रोग्राम वगैरह होता होगा यहाँ होता होगा ना, जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोग्राम होता है यहाँ पे होता है। इसका पहले तो लेने दो, और ये लाइब्रेरी का फिर थोड़ा दिखा दें इंस्टीट्यूट का। और क्या आपको हम डायरेक्टर ऑफिस वगैरह भी दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए, जो भी छात्र पहले एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो वो प्रयास करेंगे पहले एकदम क्लास आ जाइए, जो भी खूबसूरत लड़की मिले उसको अपना दोस्त बनाइए, उसके साथ पढ़ाई लिखाई करिए, क्यों शिवम जी? ये हमारे जो पीछे जो बिल्डिंग है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के डायरेक्टर की बिल्डिंग है, मतलब डायरेक्टर यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, आप लोग के कर्ता धरता है, ठीक है। ये है बिल्डिंग जहाँ पे डायरेक्टर साहब बैठते हैं। ये हरे राम हरे, ये हम कैंपस के अंदर हैं, ठीक है। अभी तो क्या है ना कि बंद है एग्रीकल्चर, अगर खुला होता तो हम आप लोग को दिखा देते अंदर का भी, तो इसलिए अभी बंद है, तो हम सोच रहे बाहर का ही दिखा देते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, इंजॉय करते रहें। हाँ, दाढ़ी वाड़ी बनवाए हैं शिवम भाई? दाढ़ी सेट करवाएं, बलवा आ जाएगा तो स्मार्ट में लगेंगे। अरे का स्मार्ट लग रहे हैं, गमछियों ना मर्द इसी बनाओ थे। अरे हाँ, ये फूल पता ही है का बनता है का वहाँ पे?
का चाहिए, वो सब ओढ़ाए हैं कुल व्हाइट कपड़ा। ये क्या है, लाइब्रेरी है ये? ये लाइब्रेरी है, ये देखिए इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पिन कोड 2205। ये आपका देखिए लाइब्रेरी है, इसके अंदर आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ये हाँ देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कैंपस में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, सबकी अलग अलग अपनी भी लाइब्रेरी है। तो ये आप लोग की अपनी लाइब्रेरी है। हाँ, मेन लाइब्रेरी आप लोग का सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी है, वहाँ कोई भी जाकर पढ़ सकता है। और ये आप लोग का अपना इंस्टीट्यूट का लाइब्रेरी है। ये बंद क्यों सीएम जी है? छुट्टी की वजह से। अच्छा छुट्टी है, ओ माई गॉड, दशहरा छुट्टी। ये देखिए ये यहाँ फीस सबमिट होता है, ठीक है। जब आप छात्र आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, लाइब्रेरी के बगल में ही फीस काउंटर है जहाँ पे आप लोग का फीस सबमिट होता है। चलिए, बगल में पानी भी मिलता है, पानी पी सकते हैं। और क्या आप तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? ये टाइप जैसे कि इसमें मान लीजिए कि पौधे लगाए जाते हैं तो धूप से बचाने के लिए, या इसे अपने हिसाब से इसके अंदर को क्लाइमेट कंट्रोल करके बदलाव किया जाता है। देखिए हमारे पीछे ये है कंट्रोल एनवायरनमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना उसको कंट्रोल करके इसमें पौधे लगाए जाते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, मतलब क्या होता है ना, कुछ पौधे जो ठंडी में उगते हैं, कुछ गर्मी में उगते हैं, कुछ बरसात में, कुछ उगमे नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से देखिए ये जो बनाया गया शेड बनाया गया है उसके हिसाब से टेम्परेचर इसमें अपना रख के, और जो है फूल पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जाता है, उगाया जाता है, लगा है ना कंट्रोल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी, हाँ ठीक ठीक सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ, अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और आप लोग को पता ही है कि एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारे सीनियर कैसे एडमिशन हो गया इनका। हालांकि यहाँ पे आप किसी भी छात्र को देख के ये नहीं कह सकते कि पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, बहुत कलाकार आदमी है सब। यहाँ के बदमाश छात्र इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं ना कि आप वो नहीं करते, मतलब यहाँ के जो माफिया लड़ाई झगड़ा में जो उनका नाम रहता था वो आज इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए कि आप कह नहीं सकते कि वही बच्चा यहाँ BHU का होगा। BHU बहुत कुछ देता है, तो अगर आपका एडमिशन होता है तो बिल्कुल यहाँ पे आइए, लीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए, इंजॉय करिए, कैंपस घूमिए, गर्लफ्रेंड बनाइए, मेरी तरह सिंगल मत रहिएगा बस। इंस्टीट्यूट के बारे में हमें सीएम जी बताइए इसके बारे में। हाँ देखिए, कैंपस के अंदर जैसे 10 डिपार्टमेंट इस इंस्टीट्यूट के अंदर चलते हैं। इसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद डेयरी का अलग डिपार्टमेंट बनाया है इसी में। अच्छा, इंस्टीट्यूट इसी के है, और फूड टेक्नोलॉजी का भी है लेकिन उसे अलग से बनाया गया है बाहर जाके। अच्छा, बाहर। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, और उसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी है। तो ऐसे ही है, देखिए आपके सामने मशरूम कल्टिवेशन का ये है लेबोरेटरी, यहाँ से मशरूम खरीद सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ तो बस एक ट्रायल चलता है, मतलब से एक जैसे मशरूम क्लाइमेट कंट्रोल करके मशरूम को एक घर में ही से पैदा किया जाता है ना, तो उसमें यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग टाइप चलता अच्छा है अपना, यहाँ पे वो किया जाता है डिपार्टमेंट में। तो यहाँ से डिपार्टमेंट है, ये देखिए यहाँ पे ये मशरूम, हाँ देखिए माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी का ये है, बड़ा सुंदर आदमी हम लोग यहाँ पे। ये देखिए ये मशरूम स्पॉन लैबोरेटरी है जहाँ पे मशरूम पे जो है जाँच किया जाता है, जाँच प्रक्षेपण केंद्र है कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अंदर भी आपको व्यू दिखा देते हैं। लैब में जाना अलाउ नहीं होता लेकिन हम जा रहे हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, अंदर जो है पूरा जांच वगैरह होता है। ये देखिए, ठीक है, जीने हैं इसमें, क्लाइमेट के अंदर भी उसमें सेट कर देते हैं तो माइनस के अंदर भी चला जाता है। हाँ, मतलब यही है कि देखिए पूरा कुल मिला के हम तो छात्र हैं एग्रीकल्चर के, तो इतना ही बता सकते हैं कि यहाँ पे जो जांच होते रहता है मशरूम वगैरह का, ठीक है, जितना भी वो होता है कल्टीवेट भी किया जाता है, यहाँ कल्टीवेट भी किया जाता है नए तरीके से, हाइब्रिड मोड और पता नहीं क्या क्या कई तरह से लगा के। अब देखिए हमारे पीछे एक है कवक एवं पादक रोग विशेषज्ञ हैं, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी यहाँ तो ही। अच्छा ये माइक्रोबायोलॉजी, अच्छा हिंदी में नमवा देखो कवक और पादप, चलो पादप इसको नाम ही। ये देखिए ये कवक एवं पादप है, माइक्रोबायोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, प्लांट पैथोलॉजी बता रहे। अच्छा यहाँ पे अधिकतर कुल लैबी है नहीं? अरे तो यहाँ पे ऊपर भी क्लासेज चलती हैं, BSc एग्रीकल्चर वालों की भी क्लासेज, जैसे कि जो प्रैक्टिकल क्लासेज रहती हैं जो लैब में प्रैक्टिकल होता है, BSc वालों का लैब में प्रैक्टिकल होता है तो यहीं पे चलती हैं वो सब क्लासेज। पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके लैब में आके यहाँ पे चलता है, और प्रैक्टिकल यहाँ होता है और क्लासेज उधर चलती हैं। जैसे कि यहाँ एग्रीकल्चर वाले में बंद है लेकिन हम ऊपर से सोच के दिखा देते हैं, यहाँ ऊपर लैब भी है जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह होता है ऊपर का जी, मतलब खुला के आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे यही कहने का मतलब कि आप लोग नॉर्मल क्लास कहीं और चलती है बगल में चलती है, और प्रैक्टिकल वाली क्लास यहाँ पे चलती है ना। ओ माय गॉड, दिस इज बाथरूम, टाइल्स लगा हुआ, अच्छा है।
साफ सुथरा ना चाचा पढ़ा। तब चचा लोग मेरे से बहुत खुश रहते हैं। चचा लोग को यहाँ पे आइए तो चचा चचा प्रणाम करके एकदम बना के रखिए, सिस्टम कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना पेड़ पौधा हमको लगता है यही एग्रीकल्चर में ही है खाली है। ये हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट का है, ये हॉर्टिकल्चर है। देखिए इसमें आप अमरूद अमरूद तोड़ के खा सकते हैं चोरी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अमरक जानते हो, अमरक ये क्या होता है? नहीं खाया होगा। और वो देखो आंवला का देख रहे हो सब, आंवला कभी चोरी किए हैं आप यहाँ तोड़ा? अरे हम लोग तो खाते ही रहते हैं, चोरी क्या करना है, लेके डिपार्टमेंट का है तो खाते पीते रहते हैं हमेशा। और देखो अमरूद वगैरह है, तो ये सब हॉर्टिकल्चर का ही है। अच्छा ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट वगैरह होते रहता है यहाँ बहुत। आपको देखिए एग्रीकल्चर में ये है अमरूद पेड़ पौधा कुल लगा हुआ है, ये सब हॉर्टिकल्चर। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया ये सब का है, लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो कुल बूझेंगे। देखिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं सेंट्रल लैबोरेट्री के पास। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये बंद है, सेंट्रल लैबोरेट्री है ये, मतलब पूरे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का मेन जो है लैबोरेट्री यहीं पे है ना, मतलब पूरा जो है क्या होता है यहाँ पे प्रयोग होता है, मतलब लैब में जो DNA वगैरह टेस्टिंग वगैरह होती है, जो हाइब्रिड वाइब्रिड पे कार्य चलता है, तो सब इसी मतलब अपना ये सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे लैबोरेटरी होती है ना, तो ये मेन लाइब्रेरी है। डिपार्टमेंट आता है ना, मतलब देखिए इसमें टोटल हम 20 कोर्ट में डिवाइडेड 96 सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आप 96 सब्जेक्ट में से किसी भी स्ट्रीम से MSc कर सकते हैं और उसके बाद आगे जाके PhD भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो टोटल 14 डिपार्टमेंट ही मौजूद हैं, 10 डिपार्टमेंट यहाँ पे RGSC में कुछ डिपार्टमेंट हैं, तो 14-15 डिपार्टमेंट ही यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी सब वहाँ पे मतलब से कि ऑल इंस्टीट्यूट में मतलब दूसरी जगह ही मौजूद है। हाँ यहाँ पे पूरा मौजूद नहीं है, पूरा मौजूद नहीं है। हाँ तो कहने का सेंस यही है, समझ गए होंगे आप, अब हम दोबारा तो समझाएंगे नहीं। चलिए चला सीएम जी, अब पूरा जनता देख ली, अब खुश हो गई होगी। देखिए आप लोग खाली हम डिपार्टमेंट दिखाए हैं, अंदर का बंद है, हमारा क्या गलती है, हम आए हैं वीडियो बनाने, अब दोबारा नहीं आएंगे। एक बार आ गए बनल तो ठीक, अब दोबारा थोड़ी ना हम आप, बाकी आके देखिए तो लोग जितना क्या ये सोशल साइंस सोइल मिट्टी वाला। अरे मत हिंदी बोल देवल कर, हमारे इंग्लिश में बोले ला जाना थे कि अंग्रेजी के विद्यार्थी हुआ। सोइल सोइल मिट्टी मिट्टी का ये डिपार्टमेंट है। आशीष महलवा कहाँ है? उधर है। आइए हम आपको एक शीश महल दिखाते हैं, मतलब इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि साला एकदम नरक हो गया है। मतलब दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन इसमें कभी लाइटें नहीं जलता है। नाम इसका शीश महल मड़ई है सर भाई। दिखाता हूँ अभी, हालांकि सबसे खूबसूरत अगर कोई है इंस्टीट्यूट या फिर फैकल्टी बोले तो एग्रीकल्चर ही है, इतना पेड़ पौधा यही मिलेगा और कौन फैकल्टी में आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये शीश महल। मैं चाहूँगा कि मैं आपको पीछे से भी दिखाऊँ। बंद ही ना हो, ये तो साला बंद रहता है, चिड़िया इस पर टटी करती है बस उसी काम आता है। ये देखिए इतना ही खूबसूरत, जब ये लाइट जलती थी इतना खूबसूरत लगता था, अब दिन भर कबाड़ा हो गया, देख रहे हैं एकदम खत्म हो गया, मड़ई हो गया, इससे बढ़िया तुम्हारे गांव का मड़ैया है। बाकी ये देखिए कैंपस बहुत सुंदर है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट फैकल्टी डिपार्टमेंट सब कुछ दिखाते रहेंगे, कैंपस भी दिखाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत, लव यू टू। बहुत से छात्रों का ये सवाल रहता है कि अधिकतर सवाल यही रहता है कि क्या प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट होता है नहीं होता है, अगर होता है तो कितने का पैकेज आता है। तो देखिए हमारे साथ सीनियर जुड़े हुए हैं, इनसे हम सारी बातें पूछते हैं क्योंकि ये यहाँ से UG भी कर लिए, PG भी कर लिए, तो इनको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो सीएम जी बहुत से छात्रों का ये क्वेश्चन आता है कि प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, प्लेसमेंट तो होता है ग्रेजुएशन के बाद, यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम लड़के जो है प्लेसमेंट लेते नहीं क्योंकि उन्हें अच्छे मतलब जैसे कि ICR के थ्रू MSc करना रहता है या फिर वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए ही जाते हैं, तो इसके वजह से प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम लड़के 60-65 हज़ार मंथली पे जाते हैं, 25-30 हज़ार को तो मैक्सिमम 100% प्लेसमेंट रहता है। लड़के के डिपेंड करता है कि वो लें ना लें, वो खुद पे उन पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि IIT के BHU में IIT के बाद जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है वो एग्रीकल्चर का ही होता है और वो आप पे डिपेंड करता है कि ग्रेजुएशन के बाद आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं ना। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। तो अधिकतर छात्र देखिए जैसा इन्होंने बोला कि लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, तो आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा कि आप लोग क्या करना है, बता दिए। और कोई सवाल जवाब क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें हम जो है जवाब लिख देंगे, है ना शिवम जी? और बिल्कुल और नहीं, नहीं बिल्कुल, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दे दी है। भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, बिल्कुल, और सदा आप लोग प्यार बांटते रहे बेटी जी के साथ। गर्लफ्रेंड बोले दिलवा। अरे जी।
तो देखिए हम ऊपर आ चुके हैं सेमिनार कॉम्प्लेक्स हॉल में, ठीक है। और आप लोगों को जैसा मैंने वादा किया था कि मैंने लैट्रिन बाथरूम जरूर दिखाऊंगा, तो देखिए हम अंदर चले आए हैं। देखिए एकदम वीआईपी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टाइल वाइल्स लगा हुआ है, एकदम साफ सुथरा है। देखिए तो हम इसमें आप आराम लेट लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एकदम वीआईपी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, अच्छा है। इसका भी वाशरूम वगैरह अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम भाई इसका वाशरूम वगैरह बढ़िया है, वो बढ़िया है, अच्छा एकदम वीआईपी है। अब बंद करते हैं लाइट कूल। देखिए हमारे पीछे लिफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए तो ये अलग से फैसिलिटी है, हमारा हम लोगों को तो नहीं है ही। देखिए यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है, अगर आप लोग चढ़ना नहीं चाहते हैं या जो लोग मोटे होंगे, जो नहीं चढ़ पाते होंगे, नहीं चल पाते होंगे, उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था दी गई है। और जो हमारे जैसे फिट होंगे वो ऐसे जा सकते हैं। खुद की बड़ाई करते रहें, दुनिया बड़ाई नहीं करेगी, ठीक है, तो अपना बड़ाई खुद ही करें। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमने आपको पूरा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट घुमा दिया, आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो हम क्या करें, हम अपना मेहनत किए, जितना बन सका तला बना लिए, ना लगा तो हम क्या करें, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू, लव यू थ्री।